देखिए आप समझ नहीं रहे, मेरा सर से मिलना बहुत जरूरी है, इट्स एन अर्जेंट मैटर, प्लीज आप कुछ कीजिए, सर से कहीं मुझे इनसे मिलना है। देखिए सर के सर और कोई बैठे, जब सर फ्री हो जाएंगे ना आप तभी आपको मिलेंगे। कमाल करते हैं। तुम यहां? सर आप, लगता है रूही ने आपको एमएमएस के बारे में बता दिया। सर मैं भी उसी के लिए यहाँ आया था, और मैं ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च भी कर चुका हूँ। कल रात रूही की जो भी हालत थी, वो ब्लैकमेलर ने जो उसे मैसेजेस किए उसने मुझे सब बता दिया। बात बहुत सीरियस होती जा रही थी सर, और आप दादाजी के साथ बिजी थे इसलिए मैं यहाँ गया। हम और रिस्क नहीं ले सकते सर, वो ब्लैकमेलर बहुत डेंजरस है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि रूही की इज्जत का सवाल है, हमें उसे पकड़ना ही होगा इससे पहले वो वीडियो वायरल कर दे। थैंक यू सुनील, तुम रूही के लिए हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, थैंक यू। सर थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, अगर रूही की जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। आई नो सर, एक पिता होने के नाते आप पर क्या बीत रही होगी, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा, और हम उसे ढूंढ निकालेंगे सर। वो लोग रूही का फोन चेक करना चाहते हैं, जो मैसेजेस आए उससे वो ट्रेस करके ब्लैकमेलर तक पहुंचेंगे, और वो रूही से पर्सनली मिलना भी चाहते हैं। मैं रूही से बात करूंगा, और हो सके तो तुम यहां से रूही से। मैंने खाना, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनी प्लीज थोड़ा सा खा लो, सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। मुझे नहीं खाना है, थैंक यू। इतने दिनों से तुमने बाहर का खाना खाया होगा, थोड़ा सा खा लो। प्लीज शगुन, अपना ये नाटक बंद करो प्लीज। हम कोई हैप्पीली मैरिड कपल तो है नहीं, तो ये नाटक किस लिए, क्यों? स्टॉप इट। इनफैक्ट मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आई थिंक इट्स बेटर अगर हम ये झूठ का नाटक बंद कर दें। हमारे रिश्ते में कभी कोई प्यार था ही नहीं, अब रिस्पेक्ट भी नहीं है। इसने अग्री, मुझसे गलती हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डिवोर्स लेना चाहिए। सारा एटीट्यूड दिखाता मुझे, शॉपी कौन की बॉस? और ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, इतने ड्रास्टिक डिसीजन लेने की क्या? शगुन मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बस आलिया की शादी की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आलिया की दादी बहुत ट्रेडिशनल है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी डिवोर्स की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। बस एक बार शादी हो जाएगी तब हम डिवोर्स फाइल कर लेंगे, तब तक तुम मुझसे दूर रहना प्लीज। हम दोनों बस ये एक घर शेयर कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये अननेसेसरी कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।